तो पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है टर्की की TFX प्रोग्राम को। TFX टर्की का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है। पाकिस्तान के ज्वाइन होने पर टर्कीज पाकिस्तानी फाइटर जेट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फिफ्थ जनरेशन जेट तैयार करेगा। ये बात TAI के CEO मिस्टर तेमल कोटिल खुद कॉन्फर्म कर चुके हैं। हालांकि ज्वाइंट प्रोजेक्ट का नेचर, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, पाकिस्तान के पास कितना राइट्स रहेगा, कितने यूनिट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आएंगे, ये क्लियर नहीं किया गया है। टर्कीज पाकिस्तानी फाइटर जेट प्रोग्राम TFX का ही एक वर्शन है, जैसे कि रशिया इंडिया FGFA प्रोग्राम होने वाला था वैसा, या फिर TFX का ही न्यू नेम है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। पर इसी के साथ साथ ये भी कॉन्फर्म हो चुका है कि प्रोजेक्ट अजम एक दूसरा पैरेलल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है जो इंडिजिनसली तैयार किया जा रहा है। एटलीस्ट पाकिस्तान क्लेम तो कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान FC-31 में भी इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है कि FC-31 का ही कोई वर्शन पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करे अजम के तहत। तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि इतने सारे प्रोग्राम को एफोर्ड करने की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके पास कहाँ से आएगा। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बहुत ही कॉस्टली प्लेटफॉर्म है, उन्हें डेवलप करने के लिए भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। TFX की डेवलपमेंट की कॉस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार $7 बिलियन होने वाला था, अब तो उससे भी ज़्यादा होगा। TFX जैसे ट्रबल्ड एंड सैंक्शन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का लॉजिक भी थोड़ा अजीब है, और एक में इन्वेस्ट करते हुए दूसरा फॉरेन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट दिखाना, ये भी इतना लॉजिकल नहीं है। पर हो सकता है कि पाकिस्तान एट द एंड अजम के साथ ही जाए, जो FC-31 का ही एक पाकिस्तानी एक्सपोर्ट वेरियंट हो, और जहां चाइनीज की जगह टर्कीज ओरिजिन टेक इन्वॉल्व हो। सो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान फ्यूचर टेक के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तब ये सारी बातें लॉजिकल लगता है। फिलहाल बस यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक साथ दो स्टील फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्वॉल्व है।